शेखर जी, आपने देखा होगा आजकल ये बड़ी समस्या होती है लोन लेने में। अभी तो हमारे जो नवाज भाई हैं, अभी कितनी बड़ी हस्ती बन चुके हैं, इतनी मेहनत की उन्होंने, और आज अपना उनका खुद का बंगला है, इतने नामचीन है। बहुत साल पहले अभी जब वो इंडस्ट्री में आए तो उन्होंने देखा कि यार क्या यार, कि अभी क्या, आप तो जानते हैं जितनी बड़ी गाड़ी उतनी बड़ी रोड आदमी की। उनको लगा कि एक दिन नवाज भाई को यार मेरे पास भी ना एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, तो भी गाड़ी है, महंगी गाड़ी लेनी है तो फिर आपको लोन लेना पड़ेगा। तो एक दिन नवाज भाई बैंक पहुंच गए कार लोन लेने के लिए। अच्छा। और वहां पर जो मैनेजर हैं वो नसीर साहब हैं। सलाम साहब, मेरे को एकदम एकदम मस्त गाड़ी लेने का है, तो मेरे को ना उसके लिए लोन मांगता है। भाई जिसे भी लोन लेना है पहले उसे लेके आओ, अपने साहब को लेके आओ। अरे साहब मैं साहब है। अरे अगर ऐसा है, देखिए इसके लिए हमें गारंटर भी चाहिए होता है और हमें पेपर भी लगेंगे। अरे पेपर का क्या बोलते हो, बोलो ना साहब, कल सुबह हिंदी मराठी गुजराती सब आपके पेपर डाल के जाता है। अरे कमबख्त, वो वाला पेपर नहीं, हटाओ, हमें गारंटर चाहिए। अरे इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े लोग को जानता है मैं, अभी आपका गारंटी दिलाते ना तो भी क्या, कॉल करते हैं संजू बाबा को। अच्छा। और जो बेल जा रही है संजू बाबा की स्टाइल में जा रही है, संजू बाबा के मोबाइल पे। हेलो। अरे कौन बोल रहे रे? अरे बाबा मैं नवाज बोलता है। अच्छा नवाज, कैसा है तू? अबे तेरी तो गवर्नमेंट चली गई रे। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे आप कंफ्यूज हो रहे हो। अरे मैं वो बाप का, दादा का, भाई का, बुआ का, फूफा का, चाचा का, चचिया ससुर का, वो वाला नवाज बोलता है। अच्छा नवाज, अभी मैं तेरे को ढंग से पहचाना नहीं। अरे बाबा आपके पिक्चर में भी मैं मार खा ला, दो तीन पिक्चर में मार खा ला। अरे नवाजुद्दीन, अरे बोल रहा रे। वो बाबा क्या है ना कि मैं भी ना बैंक महिला, तो वो बोला कि मेरे को ना कोई गारंटी चाहिए, तो मेरे को आपका गारंटी मांगता है। अबे इधर पे कोई मेरा गारंटी नहीं ले रहा, मैं तेरा गारंटी किधर से लूं रे? नवाज को टेंशन हो जाती है यार ये क्या हो रहा है, तो उनको लगा कि अभी दूसरे को कॉल करते हैं, तो उन्होंने शाहरुख को कॉल किया। जैसे उन्होंने कॉल उठाई बोले भाई अगर आपका हो गया हो तो अभी मैं बोले कुछ। मेरे को ना आपसे कुछ हेल्प मांगता है, मेरे को लोन मांगता है, तो उसके लिए ना आपका गारंटी चाहिए। नवाज आज तो मुझसे लोन मांगने के लिए मेरी गारंटी मांग रहे हो, कल को तुम मेरे लिए मुझसे कुछ और मांगोगे, कभी तुम मेरी नैना मांगोगे, कभी मुझसे तुम मेरी प्रिया मांगोगे। अरे मैं तुम्हें गारंटी कहां से दूं? अरे मेरी नैना, उसे कितनी बार कहा था कि तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तुम मेरी हो, तो तुम्हें पता है कि नैना मेरी तिजोरी की चाबी लेके भाग गई और पूरा पैसा लेके चला गया। अरे अभी मुझे खुद गारंटी चाहिए, मैं तुम्हें गारंटी कहां से दूं? हां अरे फालतू में मेरे को डांट दे ला यार ये। अभी कहना मेरे को ना कोई सही आदमी मांगता है, कोई सीनियर आदमी को कॉल करेगा वही मेरे को कॉल देगा। अभी तूने कॉल किया डैनी साहब को? हेलो डैनी साहब, मेरे को आपसे एक बहुत जरूरी बात करने का। जबान को लगाम दे वरना कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे। बिना सोचे समझे तूने मुझे कॉल कर दिया, तुझे क्या लगा यहाँ पे तू कॉल करेगा? तुझे पता है कितनी प्रॉब्लम होती है, बात बात में मुंह उठा के यहाँ पर तू मुझसे लोन के लिए बात कर रहा है। मैं तुझे गारंटी दूं, वहां पर चल के आऊं, मैनेजर से बात करूं, जबान को लगाम दे वरना तेरी जबान काट दूंगा, सड़क पे सिंक के मारूंगा। काले पेले अभी लोन देने का है तो ले दो, गारंटी नहीं देने का नहीं दो, लेकिन खाली पीली मेरे को ऐसा डांटता है तो मेरे को बहुत टेंशन होती है। इन्होंने पंकज जी को कॉल किया।
त्रिपाठी जी, मां कसम बहुत हिम्मत लगा के आपको कॉल किया। अभी मेरे को गारंटर के लिए इतना तपली को रहा है ना तपली कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज हेल्प मी, मेरे को आपका गारंटी चाहिए। ठीक है। ये बेकम्मा, गारंटी देना कोई बड़ी बात नहीं है मकबूल भाई, उसके पास जाके इसको पैसे ऐसे दे दो। लेकिन नवाज तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है ये काम। बाबूजी के घुटने में अचानक से दर्द शुरू हो गया है। बाबूजी कह रहे हैं कि अगर आ जाओगे उनके घुटने में थोड़ा सा मालिश कर दो, वो कह रहे हैं वो अपनी पर्सनल गारंटी तुम्हें खुद देंगे। अरे अपनी ऐसी तैसी में क्या गारंटी, अपना इज्जत मेरे को बहुत प्यारे लाए। थैंक यू। जयत, इतने सारे लोगों के तुमने साथ काम किया है, तो किसकी आदतें या किसकी हाव भाव तुमको सबसे ज्यादा पसंद आया और किसका रंग तुम पे सबसे ज्यादा चढ़ा है? जी वो राधेश्याम जी हैं जो ये। उनकी बड़ी एक कमाल का, उनका ये बोलने का जो कि स्टाइल है, जो मैंने उनको जो है ऑब्जर्व किया। एक बार मेरे को मिल गए वो, ऐसे बाहर टहल रहे थे, तो मैंने कहा राधेश्याम जी आप यहाँ पर ऐसे टहल रहे हैं, अरे शाम आपको पहलिया को नहीं बम्बई है, सर्दी वर्दी लग जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बोले अरे भाई हमारा क्या होना है यार, 72 की उम्र है, हमको क्या होना है, तुम लोग नए लड़के हो, जो होना है हो लो, ठीक है। बहुत अच्छे यार। तो मैंने कहा कि मैं इसलिए पूछ रहा था कि रोशेल पूछ रही थी आज आपको। ओहो, अरे भाई अब रोशेल पूछे, अच्छा नंबर अंबर हो तो दो फिर। तो मैंने कहा कि आप रोशेल का नंबर लेके क्या करें? अरे भाई उसको कविता सुनाएंगे, लड़ेगा खंभे से खंभा। नए जय विजय, मैं समझ रहा हूँ कि समझ रहे थे कि चला गया मैं, मेरा नाम राधेश्याम है। अरे अरे, मैं सृष्टि के कण कण में व्याप्त हूँ। मेरा भक्त पुकारता है सच्चे मन से तो आना पड़ता है। अंदाज वही है। उन्होंने उस दिन कहा भी था कि लोगों ने अपने बच्चों को दुकोण सिखाया, त्रिकोण सिखाया, षटकोण सिखाया शेखर जी, लेकिन दृष्टिकोण नहीं सिखाया। दृष्टिकोण नहीं। अब आप सेंटर स्टेज ले ले। हाँ वो तो चला गया, आपने निकाल दिया, आते ही चला गया, देखिए डर। राधेश्याम जी, आपका अनुभव इस शो में, इस शो के दौरान कैसा रहा? अनुभव तो क्या बताऊं साहब, ऐसा सुखद बीता है ये 3 महीना कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वाह वाह वाह, इससे बढ़िया तो मेरा ख्याल है कि मेरी जिंदगी में और कोई पल आया ही नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात। और दुख इस बात का हो रहा है सर जी कि 3 महीना तो ठीक ठाक गुजरा, अब फिर से उसी गृहस्थी के जंजाल में पहुंचना है। देखिए मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, 2 बेटे हैं, 2 बहुएं। मैं BSNL में नौकरी करता था, नौकरी से रिटायर क्या हुआ, घर में मेरी सरकार ही गिर गई। अरे वाह, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाली पत्नी रूलिंग पार्टी के साथ मिल गई। बहुत अच्छा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.